बिहार में शराबबंदी के बाद भी शराब का काला कारोबार रुकने का नाम नहीं ले रहा है। लोकसभा चुनाव से पहले शराब तस्कर सक्रिय हो चुके हैं। चुनाव में शराब की खपत को रोकने के लिए पुलिस भी पूरी तरह चौकन्नी है। इसी कड़ी में पुलिस ने मुजफ्फरपुर से लाखों रुपए की शराब पकड़ी है। बरामद शराब की कीमत तकरीबन 50 लाख रुपये बताई जा रही है। बताया जा रहा है कि पुलिस ने शराब की इस बड़ी खेप को अहियापुर थाना क्षेत्र के अब्दुल नगर माधोपुर के लीची बागान से बरामद किया है। छापेमारी की भनक लगते ही शराब कारोबारी मौके से भागने में सफल रहे। पुलिस के मुताबिक एक ट्रक पर शराब को ला करके अब्दुल नगर माधोपुर के लीची बागान में खड़ा कर छोटी लग्जरी कार और पिकअप पर लोड कर खपाने की तैयारी की जा रही थी। इसकी भनक पुलिस को लग गई और अहियापुर पुलिस ने कार्रवाई करते हुए मौके पर छापेमारी कर दी। इस दौरान पुलिस ने भारी मात्रा में शराब बरामद किया है। ग्राम अब्दुल नगर माधोपुर में जो लीची का बगान है वहाँ पे ट्रक से शराब का खेप उतारकर छोटी छोटी गाड़ियों में परिवहन और बिक्री के लिए उन्हें लोड किया जा रहा है और वहाँ से उनको दूसरी जगह ले जाया जा रहा है। बताया जा रहा है कि लोकसभा चुनाव में इसको खपाने की तैयारी की जा रही थी। शराब से भरी ट्रक हाजीपुर नंबर की है और मौके से पुलिस ने 3 लग्जरी कार और मैजिक पिकअप वाहन को जब्त किया है। इस मामले में पुलिस लगातार कार्रवाई कर रही है।